हजारीबाग कटकमसांडी पूर्वी जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी मिसबाहुल इस्लाम से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। वसीम, और आज हम बात करेंगे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से लोगों में रेस है, सभी प्रत्याशी अपने अपने रेस में हैं, तो इसी तरह से हम हजारीबाग कटकमसांडी पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र से 14 से बात करते हैं, जो प्रत्याशी हैं और जो नाम के मोहताज नहीं, वो हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में हैं, मिसबाहुल इस्लाम जी, उनसे हम बात करेंगे। पिछले बार भी वो जिला परिषद के प्रतिनिधि रह चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप? इस बार का मुद्दा है, मूल रूप से विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे देश की हालात जो देख रहे हैं, और इस हालात में गरीब लोग किस तरह खा रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। इस बार मेरा ज़बरदस्त मुद्दा है कि कम से कम लोगों को रोज़गार मिले और शिक्षा की जो स्तर जो गिर गया है वो बेहतर ढंग से वो चले, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। इससे पहले भी आपको मतलब पहले भी आप जी प्रतिनिधि का काम कर चुके हैं, तो क्या आपने इस बीच में क्या लगता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं कर पाए? देखिए, 5 साल में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिला वो 100% मैं विकास के लिए उसको लगाया। मैं अपने पूरे क्षेत्र में, 9 पंचायत मेरे अंदर में आता है, पूरे क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ का मैंने काम किया है। और सबसे बड़ा उपाधि ये है कि मैंने अपने क्षेत्र में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, जो एक स्वास्थ्य केंद्र का लागत 42 लाख रुपया है। 4 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े इलाज के लिए। और सोलर लाइट भी लगाए हैं, जहाँ जहाँ रास्ता की दिक्कत हुआ है वहाँ पर ढलाई भी किए हैं, अम्बेडकर भवन भी बनाए हैं, छठ घाट भी बनाए हैं, कब्रिस्तान में शेड भी दिए हैं। ये सब मिला करके 4 से 5 करोड़ का हमने अब काम किया है, और जो अनुभव हुआ है मैं लोगों से शेयर किया हूँ। और इस बार इंशाल्लाह अगर जीत होती है, तो मैं और बढ़ सकर काम करूँगा। सबसे पहले अगर अगर जीत होती है तो मैं, जो हमारा ब्लॉक कटकमसांडी है, इस जगह से लेकर के 22 किलोमीटर एरिया पड़ता है, मैं चाहूँगा कि छड़वा डैम में उस ब्लॉक को लाया जाए एक भाग कम। जैसे अभी मान लीजिए उत्तरी और कटकमसांडी पूर्वी और पश्चिमी है, तो पश्चिमी में एक ब्लॉक रहे और एक ब्लॉक पूर्वी में रहे। मैं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि अगर मैं जीतूँगा तो ज़बरदस्त आंदोलन करूँगा कि एक पूर्वी में एक मेरा ब्लॉक हो, जिसका जगह हम लोग छड़वा डैम में तय किए हैं। आपके क्षेत्र में 9 पंचायत आते हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं आज तक और क्या कार्य होने चाहिए, किस तरह का मतलब आप उपलब्धि मानते हैं? देखिए, अभी हम बताए ना, कार्य के मामला में हमने 4 करोड़ का काम किया है और सभी पंचायत में काम किया है। सबसे पहली बात, जिला परिषद में इस बार फंड बहुत कम था, फिर भी हमने अपने मेहनत से, अपने लगन से, जिला योजना से, हर तरफ से फंड ला करके अपने एरिया में काम किया है। बच्चियों के लिए स्कूल में जो हम सैनिटरी पैड की व्यवस्था कराए हैं, कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई फंड हमको मिला है, उसको हम इस्तेमाल किए हैं। इस बार अगर जनता मौका देता है तो उससे बढ़ सक के काम करेंगे। अभी आप देखिए, अगर जो फर्स्ट बार जो जीत करके आता है तो उसको समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन हम 25 साल के राजनीतिक जीवन मेरा गुजर चुका है, हमें मुझे समझने की ये ज़रूरत नहीं पड़ा है। मैं पहले से समझा हुआ हूँ, हर जगह बेहतर काम किया हूँ। ये है कि जीतने के बाद जो एक शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, उससे कार्य करने में कुछ और मज़ा आता है। इस बार मैं पूरे जनता से वादा करता हूँ कि जहाँ भी जनता हैं बेहतर काम करूँगा। और मैं, मेरे कार्यकाल में आप देखेंगे, मेरे कार्यकाल में दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा भी हो, हम कहीं पे किसी से कोई भेदभाव नहीं किए हैं। मेरे कार्यकाल में कहीं भी एक कोई दंगा नहीं बता सकता है। मैं दोनों कौम को जोड़ कर रखा हूँ और सख्त हिदायत कर दिया, तो मैं सब पंचायत के मुखिया सरपंच को कि जब तक मैं रहूँगा किसी तरह से कोई फसाद नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिकॉर्ड है हमारे क्षेत्र में, एक भी कहीं पर फसाद नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। नौजवानों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? आज नौजवान जो है वो बहुत ही, उनका लाइन जो है एकदम बिल्कुल अलग हो गया है, उसके लिए आप क्या सोचे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस देश में हम रह रहे हैं, एक बहुत बड़ा और बहुत महान देश है। नौजवानों से कहना चाहूँगा कि एक अच्छी से तालीम हासिल करें और जॉब करें और इस देश के लिए नाम रोशन करें।
मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बहुत सारे कुछ नौजवान हमारे भटक भी गए हैं, इधर उधर कुछ नशा में कुछ मबलूस हो गए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उस चीज़ को छोड़ करके अपने बीवी बाल बच्चों अपने घर अपने गांव अपने देश की उन्नति के लिए सोचें। हमने इसके खिलाफ एक अभियान भी चलाया था, और जब एक अभियान चलाया था तो आज इंशाल्लाह बहुत ही कंट्रोल हो गया है। इसे इसको लेकर के जो तस्कर हैं, है ना, वो मेरे ऊपर एक बार गोली भी चला चुके हैं, जो सब आप लोग जानते हैं, जो नशा के जो तस्करी जो लोग करते हैं वो हमारे हत्या करने की प्रयास किया था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्रिया लाख लाख कर्म है कि मुझे बचा लिया गया है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ सही काम कर रहा हूँ, अगर गलत काम करता हूँ तो मुझे रोक करके आप टोकिए कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। आया आपने बहुत सामाजिक कार्य भी किए हैं इसमें, तो क्या मतलब उसमें रहा आपका रोल, किस तरह का रोल रहा कोरोना काल में? आप कोरोना काल में जो मेरा रोल रहा है ये आप लोग देखे हैं, आप लोग अपना चैनल में चलाए भी है, हमारे पास जितना औकात था हमने घर घर तक जाकर के राशन पहुंचाया है। उसके बाद अपने साथी से जिसके पास कुछ पैसा था, कुछ पैसे वालों से जा करके फरियाद किए हैं, हाथ बढ़ाए हैं, इस तरह का समस्या आ गया हमारे देश में, आप कुछ मदद कीजिए। मैं चंदा भी किया, चंदा करके पैकेट बना करके सारे एरिया में मैंने बांटा है, और ये सभी चैनल में और सभी पेपर में ये आप देखे होंगे कि हर जगह हमने वितरण किया है अपने स्तर से। ख़त्म होने के बाद भी जो है लोगों से मदद मांगे हैं, भीख मांगे हैं, वो मांग करके जो हम लोगों तक पहुँचाए हैं, ताकि हमारे लोग जो है भूखा मरे नहीं, ये हमने किया है पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह का करम है कि कोरोना इस हमारे देश से चला गया है, दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि कोरोना काल में लोग बहुत बहुत ही समस्या से जूझे हैं, अच्छे अच्छे लोग जो दूसरे के लोग देते थे, जो लोग दूसरों को जो बांटते थे, हमने वैसा आदमी को भी देखा है जो किनारे खड़ा रहता था और शर्म के मारे वो बोलता नहीं था, हमने उसका एहसास महसूस किया, उसका दर्द महसूस किया और चुप से जाकर उसके घर में पहुँचाया ताकि उसको एहसास ना हो। बहुत ऐसे लोग मीडियम के लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उस कोरोना काल में उसको कमर टूट गया है और वो लेने के लिए मजबूर हो गया है, लेकिन जो लोग देता था उसको मांगने में ख़राब लगता था, हमने ऐसे आदमी को भी सर्वेक्षण किया और उसके घर में जाकर चुप चुप से जाकर राशन पहुँचाया। आगामी आने वाले 27 मई को चुनाव है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 27 मई को जो चुनाव है, मैं अपने क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल शांति माहौल में चुनाव हो, शांति से चुनाव संपन्न हो जाए, और सभी जितने भी वोटर हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें, कोई भी वोटर छूटे नहीं। मैं अपील करना चाहूँगा कि उस दिन एक बहुत बड़ा पर्व है, घर में बैठे नहीं रहें, जा करके मतदान करें, और मतदान के मामला में जब आप पूछे हैं तो मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस बार 80% लोग मतदान मुझे कर रहे हैं। पिछले बार मैं 10,500 वोट लाया था, मेरा टारगेट इस बार 12,000 से ऊपर वोट लाएँ, और पूरे क्षेत्र की जनता चाह रही है कि एक बार फिर से मिसबाह उल इस्लाम हमारे प्रतिनिधि बने और हमारे प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि हम हर समस्या से उसे निजात दिलाए हैं, चाहे समस्या जैसा भी हो, जो भी समस्या मेरे गाँव में आया, मेरे क्षेत्र में आया, सब जगह मैं आगे खड़ा रहा हूँ, जिस मामला भी हो, जैसा भी मामला हो, मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ। एक घर के छोटा सा पंचायत से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा प्रशासनिक मामला तक हर जगह मिस बाहुल को मुझे लोग पाया है, इसलिए जन बना चुकी है कि इस बार फिर दोबारा मैं मिस बाहुल इस्लाम पर लाऊँगा, और पिछले बार का भांति जो वोट लाया था उसमें वृद्धि इस बार हो रहा है, इस वोट में 12,000 से प्लस मैं इस बार वोट ला रहा हूँ। तो आपने देखा कि हम अभी बात कर रहे थे, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी से बात कर रहे थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन करवाया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, आगामी 27 मई को चुनाव होने वाले हैं, देखना ये है कि जनता कहाँ तक इनको साथ देती है और क्या इनको लाती है, अगर लाती है तो किस हद तक इनका जो वादा है, वादा किए हैं इन्होंने, क्या उन पर खरा उतरती है कि नहीं। तो इसी तरह से हम और भी प्रत्याशी से मुलाकात करेंगे, तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज़।